A very good morning, dear student. As you know that in the previous class we are discussing about what the simple machine. So in that I told you that the simple machine means anything which reduce the human effort and that do the work quickly for us. That is called what simple machine. So I give the many examples like this knife, scissors and simple machines, while sewing machines and washing machines are the examples of simple and complex machines. These are the complex machines. There are the six types of machines: lever, wheel, axle, inclined plane, screw, wedge and pulleys. These are the different six type of what the simple machines. Okay, so now next, see the simple machines either change the directions of force applied or increase the force applied. तो सिंपल मशीन क्या करती है, या तो डायरेक्शन चेंज कर देती है फोर्स की जो वहाँ पर अप्लाइड कर लेते, या फिर इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड. नाउ सी, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट लीवर. जो सबसे फर्स्ट जो है हमारा कौन सा है, लीवर जो है, लीवर सिंपल मशीन है, उसके बारे में अपन डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे. A lever is a rigid rod that can move freely around a fixed point. ये क्या होता है, एक rigid rod होता है जो एक fixed point पे move करता है. It consists of the three things or three part, that is fulcrum, load and effort. Just like ये आप example में देख रहे हो, कोई एक person, कोई भी एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, इस रॉड की हेल्प से किसी भी लोड को, हैवी स्टोन को उठाने का हेल्प कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो इसकी हेल्प से ये इसको उठा रहा है. तो जहाँ पर जिस पॉइंट पर लोड हो, जिस पॉइंट से किसी भी टच होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से और वहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं, वो पॉइंट लोड कहलाता है. और जहाँ से वो कनेक्ट होता है, जिसको सपोर्ट मिलता है, वो पोर्शन जो है वो फलकम है. और जहाँ पर अपन लोड जोर लगाते हैं उठाने के लिए, उसको अपन अब फोर्स लगाते हैं, वो पार्ट आपका कहलाता है एफर्ट, यानी जहाँ से अपन जोर लगाते हैं. सो नाउ फर्स्ट सी कि फलकम क्या है. फलकम इज द फिक्स्ड पॉइंट अराउंड विच द लीवर मूव्स. यानी ये क्या है, अ फलकम इज ए फिक्स्ड पॉइंट अराउंड विच द लीवर मूव्स. लीवर क्या करता है, मूव्स करता है. वो फिक्स पॉइंट जो है वो आपका क्या है, फलकम है. जैसे आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है, यहाँ से ये जो मूव कर रहा है. Then load is the object on which the work is being done. यानी जिसके ऊपर work करना होता है, that object is called what? Load. Effort is a force applied on the lever. और effort क्या है, जो अपन force लगा रहे, जहाँ से हमने hold किया रखा है इस man ने और यहाँ से force लगा रहे, तो that portion is called what? Effort. So these are the three different part of what? Any simple machine, this lever. Lever के अंदर ये simple machine है, lever भी एक type से, ये rod, this also work like water, simple machine. So fulcrum, load and effort. For example, the man is trying to lift the boulders using a lever. Boulder means the bigger stone. Here the boulders is the load, a force applied by the man is a effort, and a small rock on which the rod is fixed is fulcrum. वो क्या हो गया, fulcrum हो गया. So there are the three classes of the lever on the basis of the position of a fulcrum, load and effort. अब क्या होता है कि इन तीनों की position के base पर, fulcrum, load और effort, इन तीनों की position के base पर अपने three types के lever होते हैं. First class lever में आप देख सकते हो, now fulcrum जो है वो center में होता है, effort जो है वो एक end पे होता है और दूसरे end पे होता है load. ओके, सो इनकी पोजीशन के बेस पे. नाउ इन सेकेंड क्लास लीवर में जो है वो क्या होता है, दिस इन सेकेंड क्लास लीवर दैट यू सी द पोजीशन जो है, लोड जो है वो क्या, मिडल पे आ जाता है और फलकम सेंटर पे रह जाता है, एंड पे रह जाता है. फलकम यहाँ पे कहाँ था, सेंटर में था, और अब यहाँ पे एक पॉइंट पे आ गया, एंड पे आ गया, लोड बीच में आ जाता है और एफर्ट वही रहता है. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ वॉटर, सेकेंड क्लास लीवर. थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है, लोड जो है आपका वापस एक एंड पे चला जाता है, देन सेंटर पे क्या आ जाता है, एफर्ट आ जाता है, एंड फलकम जो है दैट इज ऑन अनदर एजेस और पॉइंट, ओके, किनारे पे आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड थर्ड क्लास लीवर. सो नाउ सी दिस फर्स्ट क्लास लीवर. पहले हम फर्स्ट क्लास लीवर पढ़ेंगे.
इन ए फर्स्ट क्लास लीवर द फल्क्रम इज लोकेटेड बिटवीन द लोड एंड एफर्ट। यहाँ पे फल्क्रम कहाँ पे है? द फल्क्रम इज लोकेटेड, नाउ यू कैन सी दिस वन, दिस फल्क्रम इज लोकेटेड बिटवीन एफर्ट एंड लोड, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास, दिस इज कॉल्ड वॉट, फर्स्ट क्लास लीवर। ए पेयर ऑफ सीजर जैसे लाइक एग्जाम्पल इसके लिए देखो, पेयर ऑफ सीजर जैसे कैंची है, आपके सीजर है, सीसो है, क्रोबार एंड प्लायर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। सेकेंड क्लास लीवर, इन ए सेकेंड क्लास लीवर द लोड इज लोकेटेड बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट। नाउ द पोजिशन ऑफ फल्क्रम इज चेंज्ड, नाउ हियर दिस लोड इज इन बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल व्हील बैरो, नट क्रैकर्स, नट क्रैकर्स होता है जो जैसे नट क्रैकर्स, नट्स को काटने के लिए अखरोट है या मूंग, ये आपकी सुपारी है उसको काटने के लिए जो होता है, बोटल ओपनर्स है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेकेंड क्लास लीवर। नाउ दिस यू कैन सी दिस व्हील बैरो है ना, जो आप मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा में ना, सीमेंट गारा लाने के लिए है, काम में लाया जाता है। तो ये फल्क्रम है, ये आपका लोड है और ये एफर्ट है, जहाँ से अपन पकड़ के उसको पुल पुश करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड क्लास लीवर। इन द थर्ड क्लास लीवर द एफर्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लोड एंड द फल्क्रम। अब यहाँ पे क्या है कि थर्ड क्लास में जो है वो लोड सेकेंड क्लास में तो सेंटर में था, अब ये क्या एक किनारे पे आ जाता है और फल्क्रम दूसरे किनारे पे रहता है। एफर्ट जो है वो यानी अपन जोर जो फोर्स लगाते हैं वो सेंटर से लगाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेपलर है, स्टेपलर आपने देखा होगा जब भी आप स्टेपल करते हो, फिशिंग रॉड है एंड टोंग आर द एग्जांपल्स, चिमटा जैसे है, किसी भी चीज़ को आप होल्ड करते हो ना, तो दैट इज एग्जाम्पल्स, टोंग्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड क्लास लीवर। जस्ट लाइक यू सी दिस स्टेपलर, ये आपका लोड हो गया। ओके, आप देख सकते हैं ये लोड है ना, और ये लोड अब सेंटर में, यहाँ से अपन एफर्ट करते हैं ना, अपने थंब से अपन इसको प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद, और फल्क्रम जो है बिल्कुल एंड पे हो गया। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ व्हाट, फल्क्रम, एफर्ट एंड लोड इन द थर्ड क्लास लीवर। सो दिस ऑल थ्री आर द व्हाट, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर, देन सेकेंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास। दिस इज बेस्ड ऑन वॉट, द पोजिशन ऑफ लोड, फल्क्रम एंड एफर्ट। नाउ देन मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 93, वी डिस्कस अबाउट वॉट, विल एंड एक्सेल। ए विल एंड एक्सेल कंसिस्ट ऑफ ए विल अटैच टू द रॉड कॉल्ड एंड एक्सेल। ठीक है, एक रॉड होती है जिससे व्हील कनेक्ट होता है, उसको एक्सेल कहते हैं। व्हेन द एक्सेल इज टर्न्ड द व्हीकल्स आल्सो मूव्स। आप बहुत सारे जैसे ऑटो रिक्शा है या कार में या फिर ट्रक है, उसमें आपने देखा होगा तो एक रॉड जो होती है वो व्हील से कनेक्ट होती है। ओके, एंड द स्टीयरिंग जैसे है, स्टीयरिंग आपने कार का स्टीयरिंग देखा होगा, कार का, बस का, व्हील ऑफ कार, स्क्रू ड्राइवर है, स्विंग मशीन्स, डोर नॉब, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ व्हील एंड एक्सेल। ऑल्सो द व्हीकल्स हैव व्हील एंड एक्सेल लाइक दिस, यू कैन सी जैसे ट्रैक्टर में आपने देखा होगा, तो ये जो रॉड होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेल एंड ये क्या है, व्हील है। इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन जो है आपने जैसे स्लाइड देखा होगा है ना, तो वो एक इंक्लाइंड प्लेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जस्ट लाइक यू दिस वन स्लाइड, या फिर रैंप आपने देखा होगा स्कूलों में, रैंप होता है जो भी हैंडीकेप्ड पर्सन होते हैं उनके चलने के लिए, हॉस्पिटल में आपने देखा ट्रॉली चलाने के लिए, स्ट्रेचर चलाने के लिए ना, सो दैट इज कॉल्ड वॉट, इंक्लाइंड प्लेन। एंड इंक्लाइंड प्लेन इज ए स्लोप, एक प्रकार से क्या है, स्लोप एक ढलान है, क्या है, ढलान है, स्लोप है। लेस एफर्ट इज नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट अप थ्रू ए इंक्लाइंड प्लेन एज कम्पेयर टू द लिफ्टिंग इट अप स्ट्रेट। स्ट्रेट की जगह अपन यदि थोड़ा सा स्लोप करके, इंक्लाइन करके, तिरछा करके उसको, जस्ट लाइक आपने मार्केट में देखा होगा कि जो ट्रक से सामान या उतारते हैं तो वो एक लकड़ी का पट्टा जो होता है उसको उसके सपोर्ट से जो है स्लाइडली स्लोप करके ना उतारते हैं। रैंप है, स्टेयरकेस है ना, जैसे सीढ़ियाँ है, स्लाइड्स, roads in the hilly regions, there are the examples of inclined planes. Now next comes to the simple machine, screw. Screw तो आपने देखा ही होगा, बहुत सारे screw आप देख रहे हो, screw क्या है ना, अपन किसी भी जो log में या कहीं पर भी डाल दे, तो screw is an inclined plane wound around a road to form a spiral. It helps to hold the things tightly. ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को tightly hold करके रखता है। A screw can be easily driven into a wood. Screw jack, drilling machines and nut
bolts are the examples of a screw. You can find the screw on electric bulbs and jars too. Just like आप देख सकते हो इस तरह से ये इसमें grooves होते हैं. These are the grooves. और grooves के help से ही क्या करता है ये bulb के ऊपर भी ये grooves बने हुए होते हैं जो क्या करता है holder के अंदर fit होता है या फिर ये जो है किसी भी wooden के अंदर fix हो जाता है. आप रोड साइड में यदि हिली साइड में देखो आप ना हिली एरियाज में आप जाओ तो वहाँ पे जो रोड होते हैं इस तरह से ट्विस्टिंग किए होते हैं रोड्स होते हैं इस तरह से ट्विस्ट करते हुए चलते रहते हैं ना तो वो जो है वो भी एक एग्जांपल किसका है वो है दैट इज एग्जांपल ऑफ अ स्क्रू. नाउ नेक्स्ट वेजेस. वेजेस जो क्या होता है ए वेज हैज़ द टू इंक्लाइंड प्लेन यानी जैसे स्लोप होता है दोनों साइड से स्लोप्स होती है. जस्ट लाइक आप कह सकते हो कि आपने देखा होगा जस्ट लाइक कुल्हाड़ी होती है ना एक्स कुल्हाड़ी तो वो दोनों साइड से किस टाइप की शेप की होती है इस शेप की होती है ना जस्ट लाइक ऐसे. तो ये जो है वो आपका वेज बन रहा है यानी एक प्लेन तो इस साइड में है दूसरा प्लेन इस साइड में है. ओके सो वेजेस हैज़ द टू इंक्लाइंड प्लेन्स पुट टुगेदर टू फॉर्म ए शार्प थिन एजेस ए नेल फॉर्क नाइफ एंड एक्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेजेस. जस्ट लाइक ऐसे देख सकते हो आप चाकू जो होती है ब्लेड है या कुल्हाड़ी है दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वॉट दिस वेज. नाउ नेक्स्ट वन इज वॉट पुली. ए पुली इज ए व्हील विथ ए ग्रूव रिम टू डैट ए रोप और द चैन कैन अराउंड इट. जस्ट लाइक आपने कुएं पर देखा होगा ओल्डन टाइम में जो पानी ना निकालने के लिए अपन बाल्टी से ना कुएं के ऊपर एक पुली जैसी एक व्हील जैसा लगा हुआ होता था. सो ए पुली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड. ए पुली कैन बी ऑफ टू टाइप्स फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली. तो पुली भी है ना दो टाइप की होती है एक तो फिक्स पुली होती है और एक मूवेबल पुली होती है. फिक्स पुली जो है एक किसी भी फिक्स पॉइंट पे फिक्स की होती है जस्ट लाइक यू कैन सी दैट यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट फिक्स पुली. ये क्या है आपका एग्जाम्पल है किसका फिक्स पुली का. इन ए फिक्स्ड पुली द एक्सेल इज अ फिक्स्ड टू ए सपोर्ट. एक्सेल में फिक्स किया होता है किसके लिए सपोर्ट के लिए. इट इज यूज्ड टू ड्रॉइंग अ वाटर फ्रॉम द वेल एंड रेजिंग ए फ्लैग टू द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोल. जैसे फ्लैग पोल के भी ऊपर लगी हुई होती है जब फ्लैग होस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे एक फिक्स पुली लगी होती है और फिक्स पुली क्या करता है किसी भी जो है ना फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर लेता है. और यहाँ से जहाँ से अपन तो जैसे बकेट पानी निकाल रहे ये लोड हो गया आपका यहाँ पे ये फलकम हो गया फिक्स पुली हो गई और यहाँ से एफर्ट हो गया जहाँ से अपन फोर्स लगा रहे तो ये अपने काम को आराम से बनाते. एक तो आप नॉर्मली सिंपल से बिना पुली के आप पानी निकालोगे तो उसमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा आपको. And if you have this use this pulley, then you apply less force and your work can be done easily in a short time. Now movable pulley. A movable pulley is used in a combination with a wheel with a fixed pulley. ये क्या होता है ये भी एक दोनों कॉम्बिनेशन में होता है. मूवेबल पुली इज यूज्ड इन अ कॉम्बिनेशन विद ए फिक्स्ड पुली एंड इट इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड. ठीक है फिक्स पहले एक पुली फिक्स की होती है और दूसरे उसके कॉम्बिनेशन में होता है तो ये मूवेबल पुली है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ मूवेबल पुली. तो यहाँ पे कोई भी हैवी लोड्स है उसको अपन ये लोड है आपका ये आपका फिक्स्ड पुली है और ये एफर्ट है. ओके सो दिस इज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुली है ना मूवेबल पुली एंड fixed a pulley. Okay, now these are the let's memorize points. You everybody go through this, then I will send you the question answer. So now see in this video. Okay, so now dear student, we are discussing about take the correct answer. First, which of the following is an example of lever? So lever ka example hai aapka D C saw. Then which of the following forces attract objects to the center of earth यानी कौन सा फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचते हैं तो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स. विच काइंड ऑफ द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुश ए कार्ट यानी कार्ट जो है कोई भी घोड़ा बगी जैसे ना बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी आपने ऊंट गाड़ी देखी होगी या कार्ट को यानी लॉरी को अपन पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो दैट इज बाय द मस्कुलर फोर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ साउंड एनर्जी यानी साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है तो लैंप से तो लाइट प्रोड्यूस होगी गैस भी जो जलता है तो लाइट प्रोड्यूस करता है हीट प्रोड्यूस करता है कोल भी तो आपका क्या है तबला. तबला को बजाओगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर. फर्स्ट क्लास लीवर कौन सा है आपका सीजर. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में ए ब्लैंक्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो अभी हमने पढ़ा कि फोर्स का जो डायरेक्शन चेंज करता है डैट इज पुली. सेकेंड में ए लोड
इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन, जिसके ऊपर अपन वर्क करते हैं वो अपना क्या होता है, दैट इज कॉल्ड लोड, क्योंकि तीन पार्ट होते हैं फलकम, एफर्ट एंड लोड, तो लोड के ऊपर अपन फोर्स लगाते हैं या वर्क डन करते हैं। नाउ नेक्स्ट एप्लायर एंड क्रोबार इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। देन फोर्थ वन मैकेनिकल एनर्जी इज ए टू डिफरेंट फॉर्म्स, यानी मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो आपका एग्जाम इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा टू। नेक्स्ट फिफ्थ वन लाइट, लाइट एनर्जी हेल्प अस टू सी द थिंग्स, यानी लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो अपने को किसी भी चीज़ को विजिबलाइज करने के लिए, देखने के लिए हेल्प करती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द एक्सरसाइज, और आप नेम द फॉलोइंग और क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड यू लेटर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है, एक बार देख लो सभी, ये आप आंसर और फिल कर लो।